वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। बीजेपी से निष्कासित पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान को लेकर यूपी में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद अलग अलग शहरों में बवाल और पत्थरबाजी देखने को मिली थी। जमकर पत्थरबाजी और बवाल हुआ था, पुलिस को भी निशाना बनाया गया था। इसके बाद से ही यूपी पुलिस उपद्रवियों की पहचान पर लगातार गिरफ्तारी कर रही है और ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह कोई भी दंगाई बचना नहीं चाहिए। यूपी पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 357 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि 16 जून सुबह 7 बजे तक इस मामले में कुल 357 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से प्रयागराज में 97, सहारनपुर में 85, हाथरस में 55, मुरादाबाद से 40 और फिरोजाबाद से 20 और साथ ही अम्बेडकर नगर से 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही ट्विटर पर यूपी पुलिस ने बकायदा शहरों के साथ गिरफ्तारी की संख्या की भी कुल सूची यहां पर ट्वीट की और बताया कि इन लोगों की इतने शहर में गिरफ्तारी हुई है। एडीजी प्रशांत कुमार ने यह भी कहा कि इसके अलावा अलीगढ़ से 6, लखीमपुर खीरी से 8 और जालौन से 5 लोगों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है और अभी भी ये कार्रवाई रुकी नहीं है। यूपी पुलिस का डंडा लगातार ऐसे अपराधियों पर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीके न्यूज़।